हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दो पीछे का दो वीडियो देख लिया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर में। एक पहला कॉन्सेप्ट वीडियो था और दूसरा था कुछ अच्छे उसके एप्लीकेशंस के ऊपर, न्यूमेरिकल टाइप का ही एक वीडियो था। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो पीछे था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड के, फिर में थोड़ा देखना ध्यान से डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक क्या पोटेंशियल की बात हो रही है, अब पिछले दोनों वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी, एक इंट्रैक्शन एनर्जी की बात हो रही थी जिसके बारे में लोग सीखे हुए थे। यू जो था किसी भी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के बारे में बात किए थे कि पहला चार्ज क्यू था और दूसरा चार्ज क्यू था अपॉन आर, और साइन के साथ में हम लोग इन सारे चार्ज को यूज कर रहे थे, है ना। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकला था दो चार्ज के बीच में। सपोज कर रहे थे मेरे पास यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इससे अगर हम यहां पर किसी आर डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, के क्यू स्मॉल क्यू। यहां पर अगर हमने एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है और ये हो जाएगा आर, ये लिख देते के क्यू क्यू अपॉन आर, है ना। इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, ये क्या था, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ये था यू। अगर हम एक काम करें, एक स्फेयर एज्यूम करते हैं, ये स्फेयर एज्यूम करते हैं, स्फेयर का दोस्ती हो चुका है कि एक प्लस चार्ज अपने चारों तरफ स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है, और इस स्फेयर के आर डिस्टेंस पर यानी रेडियल डायरेक्शन में हम यहां पर अगर हम एक प्लस में वन कूलम्ब का चार्ज रख दें, तब कितना पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, के पहला चार्ज क्यू दूसरा चार्ज वन अपॉन आर ही लिखोगे अभी, है ना। तो के क्यू वन अपॉन आर लिखना है, है ना, समझ में आ गया बात। अच्छा, यहां पर अगर हम लिखते हैं एक आर डिस्टेंस पर, यहां पर अगर हम एक प्लस 20 कूलम्ब का चार्ज रख देंगे तब क्या लिखाएगा, तो यहां पर लिखाएगा यू इंटू के क्यू इंटू 20 अपॉन आर लिखाएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं, हम दो तीन बात बोलना चाह रहे हैं। देखो, पहला बात तो ये कि प्लस चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। तो प्लस चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जनरेट कर रहा है, ये हम लोग समझ चुके हैं, इतना बात तो जानते ही हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ऐसे बोलोगे एक चार्ज का किसी भी डिस्टेंस पर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग दो तरीके से बताते हैं। किसी भी चार्ज का किसी एक सेपरेशन पर कैरेक्टर उसके दो कंडीशंस के हिसाब से बताते हैं कि उसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है और उस पॉइंट पर कितना उसका पोटेंशियल है, ठीक है। किसी भी चार्ज का जो कैरेक्टर है वो इस दो बात पर डिफाइन होता है कि वहां पर कितना इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है और वहां पर इसका कितना पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि तुम देखो ये तीनों ही चीज में, इस तीनों ही फॉर्मूले में तुम एक कमाल का चीज देख रहे होगे, भाई ये के क्यू अपॉन आर दिख रहा है, यहां भी के क्यू अपॉन आर दिख रहा है, यहां पर भी के क्यू अपॉन आर दिख रहा है। तो हम इसी टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड था ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, उसी तरह से यहां पर पोटेंशियल को हम कह रहे हैं के क्यू अपॉन आर। तो भी इक्वल टू हो गया यहां पर से के क्यू अपॉन आर फॉर दिस पॉइंट और ईच पॉइंट ऑफ द स्फेयर, इज दैट ओके, ईच पॉइंट ऑफ द स्फेयर is given by KQ upon R. The potential at each point of the sphere is given by KQ upon R and which is equal to, देखो ये क्या है, थोड़ा एक और चीज देख लो, ये अगर हम इसको लिखें कि इसको अगर हम हटा देंगे Q लिख दें, तो यहां पर हम लिख रहे हैं U equal to, देखो क्या लिख रहा है, ये V हो गया क्या और ये Q हो गया, नहीं हो गया, तो V times of Q दिख रहा है क्या, U equal to V times of Q, U at that position, अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे लिखते हैं U at R position is given at V at R position into Q, is that okay? तो V at R position क्या आ रहा है कि U at R position upon Q। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल K
किसी भी जगह पर इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि इंट्रैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इंट्रैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, सॉरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज दैट ओके? तो क्या हम इसको कह देंगे इंटरेक्शन एनर्जी एंड इंटरेक्शन पोटेंशियल, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इट ओके? इंट्रैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इंट्रैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आ रहा है हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लेना अच्छे से दो तीन चीज को, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और पहली बात तो ये हो गया। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देख लो जूल होता है ना, ये एनर्जी है तो जूल होगा और ये कूलम हो जाएगा, यानी जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, इज दैट ओके? तो चलो यहां तक छाप लो पहले, इसके आगे बात करते हैं। तो भी किसी भी जगह पर हम लोगों ने इस तरह से देखा कि आर पोजिशन पर अपॉन आर आ रहा है, ये बता रहे हैं किसी भी जगह पर, ये मल्टीप्लाई नहीं कर देना, पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी पर यूनिट क्या लिख दीजिए चार्ज। अच्छा इसके एस आई यूनिट क्या हो जाएंगे, इसके एस आई यूनिट हो गया जूल पर कूलम्ब, और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, जूल का क्या होता था याद है, एम एल स्क्वायर टी माइनस में टू अपॉन कूलम्ब का क्या हो जाएगा ए टी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास से ही, तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस में थ्री ए इनवर्स, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, छाप लो जल्दी जल्दी इसको छाप लिए, ठीक। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान समझना, हम कह रहे थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कुछ इस तरह से हम लिखते थे क्या, एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर करते थे इंटीग्रल में, और अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि इसको हम लिख सकते Q इंटू डेल्टा V के फॉर्म में भी, चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते ना, चेंज इन Q टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस में F के जगह क्या लिख सकते Q ही लिख सकते हैं क्या, Q वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, तो यहां से Q तो खत्म हो रहा है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो रहा है, निगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर फ्रॉम आर वन पोजिशन से आर टू पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन यहां से हमको निकल रहा है। देख लो चेंज इन पोटेंशियल एट ए मतलब दो पोजिशन के बीच का जो पोटेंशियल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि निगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, निगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर से आ रहा है हमारा चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल कैसे आता है, निगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हम लोगों ने देखा हुआ था कि डी यू इक्वल टू, यानी ऐसे अगर हम लिखे यहां से एफ इक्वल टू लिखे थे क्या माइनस में डी यू अपॉन डी आर लिखे थे, है ना, तो एफ के जगह क्या लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस में डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इंटू डी वी, क्यू टाइम्स ऑफ डी वी अपॉन डी आर, तो यहां से क्या आ गया देखो क्यू से क्यू खत्म हो गया, ई इक्वल टू हो गया माइनस में डी वी अपॉन डी आर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो कमाल का डिफरेंस यहां पर डेफिनेशन आया है, क्या आया है यहां पर से हम कह सकते हैं निगेटिव रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, देखना ध्यान से इसी कैसे लिख सकते हैं, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट पोजिशन, है ना, या फिर विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दैट ओके? तो क्या कर सकते हैं
डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल। कॉपी में लिखते रहे सबके मीनिंग बहुत अच्छे से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह तक जाते हैं, पूरा अच्छा समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कॉपी को नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है, ताकि बाद में भी समझ में आए कि हाँ पहले क्या से कनेक्शन थोड़ा जोड़ना है इसको, ठीक है। डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम कह दें, अगर हम कह दें यहां से इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसी तरह से कि हम यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस में, जैसे पिछले बार करते थे याद है, डेल्टा वाई जे कैप माइनस में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के कैप, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फोर्स में हम लोग देखे थे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स आता था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई आ रहा था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड आ रहा था फोर्स वाले कंडीशन में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना सारा बात तो पहले छाप लो। और इसको ये क्या लिखते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लो एक बार, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एंड z constant, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा v अपॉन डेल्टा y जो है यही है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, इस बार y का स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जब y को कर रहे हैं इस बार हम कीपिंग x और z को कॉन्स्टेंट रखेंगे, कीपिंग x एंड z कॉन्स्टेंट। और सिमिलरली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये इस तरह से करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर लिया है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजों को और अच्छे से रियलाइज करते हैं, आप लोग तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी चार्ज के कारण आर पोजीशन पर उसका पोटेंशियल क्या बनता है, के क्यू अपॉन आर, ये ना बनता है, अभी हम लोग सीख चुके हैं। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो पहला बात तो यही है कि यहां पर एक 10 कूलम का चार्ज दिया है ना, 10 कूलम नहीं माइक्रो कूलम का चार्ज दिया हुआ है, और इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहां पर कह रहा है, ये प्लस चार्ज है, यहां पर कह रहा है बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, k q अपॉन r, k के जगह पे लिखेंगे 9 इनटू 10 स्क्वायर 9 होता है, और q के जगह पे 10 माइक्रो मतलब माइनस में 6 है ना, k q अपॉन r के जगह पे 10 सेंटीमीटर इसके बाय 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आंसर आ चुका है, इतना क्या वोल्ट में आ चुका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर टू पे बात कर सकते हैं, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। क्यू है यहां पर भी क्यू है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कह रहा है ओरिजिन पर यहां पर बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके कारण और इसके कारण। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट ओरिजिन, के इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे इसके कारण और फिर इसके कारण, हर एक चार्ज कारण पोटेंशियल निकालेंगे। एक बात यह भी समझ लो, पोटेंशियल तो सीधा स्केलर क्वांटिटी है, सबका पोटेंशियल निकालो और सबको सिंपली जोड़ दो, दैट्स इट, है ना। तो यहां पे वेक्टर सम नहीं करना, सिंपली ऐड करना है। तो k q अपॉन मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, ठीक है, k q अपॉन a अब प्लस में k q अपॉन a, तो बेसिकली देखोगे यहां से 2 k q अपॉन a आंसर, कितना आसान है नहीं है। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात किया जाए, बोल दिया यहां पर ऐसे करके Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और ये डिस्टेंस अगर हम कह दें L है, ये L by root 3 हो जाएगा ना डिस्टेंस, कह रहा है ओरिजिन पर पता है इस तीनों कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ये प्लस है, ये 2Q है, ये भी प्लस है, और ये माइनस में 3Q है, और कह रहा है इसके कारण ओरिजिन बताओ पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इसके कारण क्या लिखोगे, प्लस अपॉन L by root 3, ये डिस्टेंस L by root 3, ये साइड अगर L है, ये L by root 3 होता है ना, ठीक है।
इसे हम क्या लगा प्लस लिखेंगे के टू क्यू अपॉन एल अपॉन रूट थ्री, क्योंकि इससे भी इसका डिस्टेंस वही है और इससे भी इसका डिस्टेंस निकालना होगा। यहां पर पूछ रहा है बताओ, तो क्या करेंगे इससे इसका डिस्टेंस लिखेंगे, लेकिन उसका चार्ज है निगेटिव तो माइनस लिखना पड़ेगा, है ना। तो माइनस में के थ्री क्यू अपॉन एल बाय रूट थ्री सॉल्व करोगे तो आई थिंक जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ में आ गया बात। तो इस तरह से करके ये सब सवाल बन रहा है। चलो छाप लो पहले आगे और भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, एज्यूम कर लेते हैं यहां पर एक क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस में टू क्यू चार्ज, यहां पर प्लस में थ्री क्यू चार्ज और यहां पर माइनस में फोर क्यू चार्ज है, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं ये लेंथ है एल और ये भी स्क्वायर यानी साइड है लेंथ है और पूछा ओरिजिन बताओ कितना होगा, बोल सिंपली सबका करना है, टिक 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 टिक, है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा एल रूट टू पूरा हो जाएगा, एल रूट टू का आधा ये हो जाएगा, यानी एल अपॉन रूट टू हो जाएगा ये लेंथ, है ना। तो सीधा से लिखेंगे के क्यू अपॉन एल बाय रूट टू, के क्यू अपॉन एल बाय रूट टू, के क्यू, अरे सब में आना है क्या के क्यू बाय, ये तो आना ही है ना जी, के क्यू तो आना ही है बाय एल बाय रूट टू तो आना ही है ना, हो जाएगा वी वी इक्वल टू, चलो कॉमन निकालते हैं, यहां से वन आया क्या, यहां पर से माइनस में टू आ जाएगा, यहां प्लस में थ्री आया, यहां से माइनस में फोर आ जाएगा, तो यहां से जाएगा रूट टू के क्यू अपॉन एल और यहां से आ गया हमारे पास फोर टू सिक्स थ्री वन फोर, यानी कि हो जाएगा माइनस में टू, तो बेसिकली हो गया माइनस में टू रूट टू के क्यू अपॉन एल, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये कैसे किया समझ में आया, देखो के क्यू बाय रूट टू, के टू क्यू अपॉन एल बाय रूट टू, चाहो तो मैं इसके बढ़ा लो, अब तो थोड़ा होशियारी करो ना, इसमें करना है कोरोना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेंटागन है इसके सेंटर पर क्या है बताओ कितना होगा पोटेंशियल, जबकि ये लेंथ है एल दिया हुआ हर एक पोजीशन से, एल दिया हुआ है ऑलरेडी तुमको, एल दिया हुआ है यहां पर प्लस क्यू, यहां माइनस में टू क्यू, यहां प्लस में थ्री क्यू, यहां माइनस में फोर क्यू, यहां प्लस में फाइव क्यू दिया हुआ है, तो पोटेंशियल कितना लिखाएगा, पहला बात देखो के क्यू अपॉन एल तो सब में आना है, के क्यू अपॉन एल तो सब में आना है, यहाँ पे प्लस में वन लिखाएगा, यहाँ माइनस में टू लिखाएगा, यहाँ प्लस में थ्री, माइनस में फोर, प्लस में फाइव, सॉल्व कर लेना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, क्यू दिया है प्लस में, यहाँ माइनस में टू, यहाँ पर चलो ठीक है ऐसे थोड़ा स्पेशल कर ले, माइनस थ्री क्यू, यहाँ पर प्लस में फाइव क्यू, यहाँ माइनस में सेवन क्यू, यहाँ प्लस में नाइन क्यू, यहाँ पर माइनस में इलेवन क्यू दिया हुआ है, सेंटर पर अगेन पूछा है ये डिस्टेंस एल दिया है, अगर ये एल दिया है तो ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल तो सब में आ जाएगा ना इस बार, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सारे तो इक्वल ही आते थे, के क्यू अपॉन एल तो आ गया, पहला चार्ज वन, दूसरा चार्ज माइनस में थ्री, फाइव माइनस सेवन, प्लस में नाइन, माइनस में इलेवन, तो यहां से आ गया के क्यू अपॉन एल, ऐड कर लेना जी, ठीक है आ गया आंसर, ठीक है चलो छापो। चलो देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का आई थिंक इस चैप्टर में पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस वेयर पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, ठीक है एक चार्ज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, ठीक है ऐसे ऐसे, और यहां पर हमको दिया है माइनस में फोर क्यू और यहां पर दिया है प्लस में क्यू, कह रहा है कहां पर इसका पोटेंशियल जीरो आएगा वो लोकेशन बताओ, एक्स एक्सिस पर ही, एक्स एक्सिस पर ही सारा चार्ज रखा हो, ठीक है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है एकदम सिंपल सोचना है, एकदम सिंपल, क्या कर दिया भाई हमको, कहा पोटेंशियल जीरो करके दिखाओ, क्या कहा इसने पोटेंशियल जीरो करके दिखाओ, और पोटेंशियल तो सीधे सीधे पैसा होता है, अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो उसको सीधे ऐड करना है, लेकिन नहीं गड़बड़ हो जाएगा, देखो एक तो निगेटिव भी होता है, हो सकता है कि ये निगेटिव पोटेंशियल कहीं बना है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल बना है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर गलती से बराबर आ जाए तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है,
ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से तक का डिस्टेंस ये डी दिया है, कितना दिया है डी। तो हम एक सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर है, कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, और जो कि इससे किसी एक्स डिस्टेंस पर है, ये दर्ज अगर डी माइनस में एक्स डिस्टेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पर। खैर अब सुनना मेरी बात को, हम कह रहे हैं कि इसके कारण यहां पोटेंशियल बनेगा निगेटिव बनेगा, और इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और हो सकता है कि वो दोनों कंबाइन करके पोटेंशियल एट पी हो सकता है जीरो हो जाए। एक और कंडीशन हम बना सकते हैं यहां पर, देखना ध्यान से, अगर हम यहां पर कहें कोई आर पोजिशन है ना, कोई आर पोजिशन है जो कि इधर कोई एक्स डिस्टेंस बनाएगा इसके कारण, और इसी कारण भी यहां पर हो सकता है कि यहां पर भी हो सकता है मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाए। सिमिलरली हम इधर भी देख सकते हैं कि मेरा पोटेंशियल प्लस अगर, यानी कि यहां पर तीनों कंडीशन में पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो हम पहले बात कर सकते हैं पी पॉइंट पर, छोड़ो अगर नहीं समझ में आया तो पी पॉइंट पर तो समझ में ना कि इसके कारण पोटेंशियल जीरो हो सकता है, इसके कारण पोटेंशियल जीरो हो सकता है, सॉरी इसके कारण निगेटिव होगा, इसके कारण प्लस होगा, दोनों सम होकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस में फोर क्यू चार्ज प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इस तरह पोटेंशियल क्या लिखोगे, के माइनस फोर क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर है, तो के माइनस फोर क्यू अपॉन एक्स, और उसके कारण बात करें के क्यू अपॉन डी माइनस में एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहां से हमको दिख रहा है के क्यू तो खत्म हो गया, तो यहां से आ रहा है हमारे पास वन माइनस में वन अपॉन डी माइनस में एक्स अपॉन फोर अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू फोर डी माइनस में फोर एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा फोर डी अपॉन फाइव, दैट्स योर लोकेशन पी पॉइंट आंसर। ठीक है, ये कब बात की है, पी पॉइंट पर, छाप लो पहले इसको, अभी अगला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहां निकाल चुके हम, एज्यूम करते हैं इस जगह को हम कह रहे हैं आर पोजिशन, जो कि इससे एक्स डिस्टेंस पर इधर है, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी प्लस में एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये डी डिस्टेंस, ये डी प्लस में एक्स, हम कह रहे हैं इसके कारण इधर निगेटिव पोटेंशियल बनेगा और इसके कारण यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, तो हो सकता है इस बार जीरो हो जाए आर पोजिशन पर, एट पॉइंट आर। अभी समझ में आएगा, अगला सवाल जब बनाएंगे तो थोड़ा पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी तो बस इमेजिन करो, ठीक है ना, तो क्या क्या हो सकता है यहां पर, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी पर है, हम लोग तो इससे देखा। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पोटेंशियल एट आर पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, के फोर क्यू माइनस में अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस में के क्यू अपॉन डी प्लस में एक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो कर देंगे, के क्यू से के क्यू खत्म हो गया, तो वन अपॉन डी प्लस में एक्स इक्वल टू फोर अपॉन एक्स हो जाएगा, तो यहां से हो गया एक्स इक्वल टू फोर डी प्लस में फोर एक्स हो रहा है, एक्स इक्वल टू फोर डी प्लस में फोर एक्स आ रहा है, यहां से आ रहा है हमारे पास माइनस में थ्री एक्स, माइनस में थ्री एक्स अपॉन फोर डी, एक्स इक्वल टू हो गया फोर डी अपॉन माइनस में थ्री। क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि यहां पर है और एक्स ही निगेटिव आ रहा है, तो मतलब इसको तो बेसिकली एक्स पॉजिटिव आना चाहिए था, एक्स निगेटिव आ रहा है, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं बना, इसलिए ये हमारा आर पोजिशन पे हमारा पोटेंशियल जीरो नहीं आ रहा है, आर पोजिशन पर पोटेंशियल हमारा जीरो नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि हम एक और कंडीशन सोचें, इधर चेक कर लेंगे। ठीक है, हम इधर मान लेते हैं कोई एस पॉइंट मान लेते हैं, कोई एस पॉइंट मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, और अब कहते हैं कि ये हमारा एक्स डिस्टेंस इधर है, हो सकता है कि हमारा पॉइंट जीरो हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये तो डी प्लस में एक्स यहां से यहां तक बनेगा, इज इट ओके, तो अब आर नहीं रहा हमारा, एस पॉइंट पर जीरो हो सकता है, तो एस पॉइंट के बारे में क्या क्या लिखेंगे, इसको हम इरेज कर दें, एट पॉइंट एस पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, एट पॉइंट एस पोटेंशियल एट एस इक्वल टू जीरो, तब इसे अगर हम बात करते हैं क्या के फोर क्यू अपॉन डी प्लस में एक्स, क्योंकि फोर क्यू से इस बार जो डिस्टेंस आ रहा है वो डी प्लस में एक्स डिस्टेंस आ रहा है ना, और इसे हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से आ रहा है वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर अपॉन डी प्लस में एक्स, यहां से आ गया डी प्लस में एक्स इक्वल टू फोर एक्स, डी इक्वल टू यहां से थ्री एक्स, एक्स इक्वल टू डी अपॉन थ्री प्लस में आ रहा है, यानी ये कंडीशन बन रहा है, यानी कि हम क्या क्या ऑब्जर्व किए,
एक यहां पर हमको पोटेंशियल जीरो दिखा और एक पॉइंट यहां पर जीरो दिखा, ठीक है। तो यानी दो पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल जीरो आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता था ना, यहाँ पर दो दो जगह पर हमारा पोटेंशियल जीरो, लेकिन दो ही जगह आएगा क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछला जो सवाल हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्स एक्सिस पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जीरो आ रहा था। अभी हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज और एक और प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ माइनस थ्री ए और एक प्लस थ्री ए पर। हम जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कहां पर जीरो होगा उन सारे ही पॉइंट का लोकस जानना चाहते हैं, यानी कि हम जानना क्या चाह रहे हैं, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग जीरो पोटेंशियल। क्या जानना चाहते हैं, जीरो पोटेंशियल। एकदम सिंपल सा चीज है कि जीरो पोटेंशियल का लोकस जानना चाहते हैं। लोकस के लिए जब हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि नीट के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा नया चीज है, बट जो जेईई मेन के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा बहुत सिंपल सा चीज है। मैथमेटिक्स में लोग लोकस निकालने के लिए आता है कि कहीं पर एक आर्बिट्री पॉइंट पी ले लो, उसका कोऑर्डिनेट बोल दो एक्स वाई है और उसके बारे में बात कर लो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हम कह रहे हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है यहां से आता है कि एक्स लेंथ होगा ये लेंथ और ये वाई लेंथ रहा होगा। हम जानना चाहते हैं इस माइनस के कारण यहां पर जो पोटेंशियल बने और इस प्लस के कारण जो पोटेंशियल बने दोनों का सम जीरो हो जाए। इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो निगेटिव बनेगा और इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। हम वो दोनों का कह रहे हैं पोटेंशियल हमारा एट पॉइंट पी इक्वल टू जीरो, यानी हम क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल चार्जेस इक्वल टू जीरो। लेट अस से दिस वन इज आर वन, दिस वन इज आर टू। व्हाट इज आर वन, आर वन इज व्हाट, देखो ये लेंथ हमारा थ्री है और ये एक्स है, ये लेंथ क्या हो जाएगा थ्री ए प्लस एक्स हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा हमारे पास थ्री ए माइनस एक्स यहां से तक का लेंथ। तो आर वन का वैल्यू क्या लेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, रूट ओवर थ्री ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर टू का वैल्यू सिमिलरली थ्री ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेगा, इज इट ओके। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी के बारे में क्या लिख सकते, के माइनस टू क्यू अपॉन आर वन और प्लस में के क्यू अपॉन आर टू इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका चार्ज और इसका लेंथ का यहां पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे, इस चार्ज के कारण निकालेंगे के क्यू अपॉन आर टू और पी पॉइंट पर हम बोल रहे हैं पोटेंशियल जीरो है दोनों का, ठीक है। एकदम आसान हो गया, पुट कर लो, देखो सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। के क्यू तो कट गया ना जी, कितना आसानी से देख लो यहां से क्या आ जाए, वन अपॉन आर टू, आर टू दिस वन रूट ओवर थ्री ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज गेटिंग एस टू अपॉन थ्री ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर कर लेते दोनों साइड, ठीक है, तो हमारा रूट तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करके मल्टीप्लाई भी कर ले दोनों साइड में, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास साफ दिख रहा है थ्री ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा होगा और प्लस में वाई स्क्वायर दिख रहा होगा, यहां पर हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ थ्री ए माइनस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसको तो एकदम आराम से खोल सकते हैं अच्छे से, इसको क्या करेंगे देखो, तो नाइन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में थ्री टू जा सिक्स ए एक्स हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ए स्क्वायर और प्लस में फोर एक्स का स्क्वायर और माइनस में सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ए एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और हमारे पास जो रिजल्ट में कुछ कमाल का चीज दिख रहा है क्या, ये चीज तो उधर चला जाएगा, ठीक है, तो इसको उधर भेज दे रहे हैं, इक्वल टू जीरो दिख रहा है, फोर एक्स का स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो थ्री एक्स का स्क्वायर हो गया और कुछ देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पर से तो थर्टी दिख रहा है माइनस में थर्टी ए एक्स दिख रहा है, ए स्क्वायर यहां भी दिख रहा है, ए स्क्वायर यहां भी दिख रहा है, तो हमारे पास 36 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 27, तो 27 ए स्क्वायर यहां से आ गया, आई थिंक 3 कॉमन आ रहा है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 10 ए एक्स और प्लस में 9 ए स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन या फिर लोकस ऑफ पी पॉइंट
इसको ना खोलते हैं अच्छे से, इसको देखते क्या है ये, है ना। इसको यहां से ज्यादा कॉपी कर लो अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। इसको इसको भी देखना है पूरा अच्छे से, ठीक है ना। कॉपी करो, पहले देखा ना, यहां पर एक वाई स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना, पीछे में छुप गया था, ठीक है, देख लेना थोड़ा वाई स्क्वायर जाएगा। चलो इसको इसको थोड़ा खोलते हैं। अच्छा कुछ दिख रहा है कि ये सर्कल का इक्वेशन है क्या? नहीं दिख रहा, चलो देखते हैं। ओके देखिए, करके देख रहे हैं यहां से क्या क्या दिख रहा है हमको। यहां से एक्स का स्क्वायर दिख रहा होगा और माइनस में टेन ए एक्स दिख रहा है, प्लस नाइन ए स्क्वायर दिख रहा है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोगों ने पढ़ा था क्लास टेंथ में, यूज करते हैं उसका, देखते क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस टू ए बी के बारे में बात करते हैं। टू ए तो एक्स ही है हमारा, और बी क्या हो जाएगा देखो तो फाइव ए आ जाएगा। देखो यहां से फाइव टू टेन एक्स आ रहा है, यानी कि बी हो गया हमारे पास, प्लस में फाइव ए का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में फाइव ए का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये चीज हमने एक्स्ट्रा यूज किया है इसमें से, इसलिए हम इसको सॉल्व कर दिया, बाकी इधरों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नाइन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है फॉर्मूला, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो हम निश्चित है क्या, एक्स माइनस में फाइव ए का होल स्क्वायर, बहुत आसान है। और ये क्या हो गया, देखो तो नाइन ए स्क्वायर और यस 25, आई थिंक देखो तो थोड़ा ध्यान से, प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है 16 दिख रहा है क्या, 16 ए स्क्वायर दिख रहा होगा इक्वल टू जीरो। और इसको बेटर तरीके से लिखे हैं, तो हम इसको लिख सकते क्या, एक्स माइनस, कमाल हो गया जी, देखो एकदम जबरदस्त सा इक्वेशन दिख रहा है हमको यहाँ से, फोर ए का होल स्क्वायर। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, देख लो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि नहीं है, जिसका कि सेंटर कहां है, फाइव ए कॉमा जीरो पर, और इसका रेडियस कितना है, फोर ए का रेडियस है। यानी कि अगर हम अब इस पिक्चर को थोड़ा ड्रॉ करें तो थोड़ा कमाल दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। एक चीज देखो ध्यान से, ये कह रहा था थ्री ए है और ये माइनस में थ्री ए था, और यहां पर माइनस में टू क्यू दिख रहा है और यहां पर से क्यू दिख रहा है, और ये कह रहा है कि हमको फोर ए रेडियस से एक सर्कल बनाओ जिसका कि सेंटर फाइव ए पर हो। थ्री ए तो दिख रहा है यहां से, हम इसको कैसे देखे, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए, तो सेंटर दिख रहा है फाइव ए पर, यहां पर ये सेंटर हो गया हमारा, ये हो गया क्या सेंटर ऑफ सर्कल, और रेडियस कितना लेना है फोर का, तो वन टू थ्री फोर, यानी कि दिस इज योर सर्कुलर पाथ हैविंग पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। अभी देखो हम क्या बता रहे थे, पिछला जस्ट इसके पीछे जो सवाल बताया उसमें हम बताया दो पॉइंट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर जीरो था, देख लो एक इसके बीच में और एक साइड में, जो अभी भी दिख रहा होगा, हम इधर बना नहीं सकते, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात ना, तो ये जो इधर भी दिख रहा है और एक इधर भी दिख रहा है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सिर्फ दो पॉइंट बताओ जो कि एक्स एक्सिस पर हो, वही पॉइंट है। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें है कि इस प्लेन में बताओ कहां कहां पर जीरो आ रहा था, हमें कह रहे पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ बन रहा है जिसका कि रेडियस अभी यहां पर इस कंडीशन में 4a है और सेंटर दिख रहा है 5a,0 पर। ये तो सर्कुलर पाथ है, इस यहां पर पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल, हर जगह पर पोटेंशियल जीरो है, हर जगह पर पोटेंशियल जीरो है। मजा आ गया, छाप लो मजे के साथ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने एक सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया कि लोकस ऑफ पोटेंशियल कहां कहां पर जीरो आ रहा है। अब हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना, दो तीन सेक्शन अभी और है, मजे के साथ में देखते रहना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग देखे हैं वो क्या था हमारे पास, माइनस में डीवी अपॉन डीआर, पहला तो ये बात समझ में आ चुका है सबको, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग ये भी जानते हैं कि फोर्स होता है किसी सिस्टम पर लगने वाला, माइनस में डीयू अपॉन डीआर दिख रहा था, यानी कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है तो हम इस पर सवाल करना चाहते हैं। लेट कर लेते हैं, मेरे पास एक सवाल है कि हम कह रहे हैं कि एक एटम है, एटम एटम देखियो, ठीक यही एटम, यहां पर कुछ भी चार्ज है और उसके कारण जो है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सम स्पीड v से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ है यहां पर से के आर स्क्वायर अपॉन क्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग
अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू, ठीक है, देन फाइंड, पहला तो इसका टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड बताओ, कितने चक्कर के बाद फिर वहीं आ जाएगा, सॉरी कितना समय के बाद यहीं आ जाएगा, और इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। ये दो सवाल हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो फाइंड टाइम पीरियड और एंगुलर मोमेंटम, हम ये दो चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहला चीज देखो, अभी तक हम लोग जानते थे कि फोर्स अगर दिया रहेगा तो फोर्स बराबर सर्पलपाथ में घूम रहा है, पहली बात तो ये तय हो जाना चाहिए। अगर सर्पलपाथ में घूमेगा तो बाहर में क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, अगर ये इसका रेडियस आर है तो, है ना। लेकिन ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, वो फोर्स तो दिख नहीं रहा यहां पर, कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हम देके रखे हैं, इसको कैसे डील करें। तो देखो, तो एकदम सिंपल फोर्स निकालने का हमको पता है फॉर्मूला, फोर्स निकालने का क्या पता है फॉर्मूला, कि माइनस में डी यू अपॉन डी आर, है ना। तो चलो इसको यूज करते हैं, जो यू दिख रहा है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, ठीक है, एकदम आसान है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस वगैरह से कोई मतलब है नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी यू अपॉन डी आर, यू की जगह के आर स्क्वायर बाय टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा, k बाय टू तो बाहर आ गया, r स्क्वायर का डिफरेंशियल टू आर आ जाएगा, यानी कि आ गया हमारे पास k r, और अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, बस कुछ है क्या, है ना। क्या लिखेंगे, k r मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और अगर r रेडियस से बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहां पर r पुट कर लेंगे, तो दिख रहा होगा यहां से k r स्क्वायर अपॉन m का रूट हो गया यहां से वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r बाय टाइम t इक्वल टू रूट ओवर के आर स्क्वायर बाय एम। आप तो हिसाब से दोस्ती हमारा बहुत अच्छा खासा है, है ना। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, टी का वैल्यू क्या जाएगा, टू पाई आर रूट ओवर एम अपॉन के आर स्क्वायर, अगर इस सबको आर को अंदर भेज लोगे तो हमारे पास आई थिंक आर स्क्वायर से आर तो खत्म ही हो गया, तो यहां से हो गया फोर पाई स्क्वायर, मतलब यही आ गया हमारे पास रिजल्ट, टू पाई रूट ओवर एम अपॉन के, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन जेई 2018 पूछा हुआ एडवांस में क्वेश्चन, एकदम सिंपल सही था, टाइम पीरियड निकालना था, वेलोसिटी निकालना, दैट्स इट। और एक एंगुलर मोमेंटम पूछ गया था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, एम वी आर होता है, तो मास तो दिख रहा है, अब वेलोसिटी भी तुरंत निकाले हैं, कितना है रूट ओवर के आर स्क्वायर अपॉन एम, और आर यहां से अगर हम सॉल्व कर रहे तो एम स्क्वायर तो अंदर चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वायर बाहर आ रहा है और एम स्क्वायर अंदर जाएगा, तो एम से एम खत्म जाएगा, क्या हो जाएगा के एम, दैट्स इट। तो इसी तरह का एक सवाल था जेई 2018 में, उसको भी चेक कर लेना, जेई 2018 का क्वेश्चन है, पेपर टू का, ठीक है। तो उसमें हम लोग को इसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी दे दिया था और कह रहा था कि भाई ये सब चीज निकाल के दिखाओ, सबसे आसान क्वेश्चन बनता है इस तरह के क्वेश्चन को, छाप लो, अगले दिन पढ़ो। अब अगला है कि हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि E जो है वो हमारा है माइनस में डेल V अपॉन डेल X I कैप, माइनस में डेल V अपॉन डेल Y J कैप, माइनस में डेल V अपॉन डेल Z K कैप दिया हुआ है, ठीक है। और इसके आप पूरे के पूरे एक एक चीज को जानते ही हैं, ठीक है। इस सिचुएशन पे सवाल देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है, और उसी तरह से फोर्स भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस में डेल U अपॉन डेल X I कैप, माइनस में डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस में डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो अभी सवाल हम कर लेते हैं इसी में, क्वेश्चन फाइंड करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इफ पोटेंशियल कहीं पर दिया हुआ है 3xyz, है ना, एट हमको निकालना है 0, 1 और -1, इस जगह पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम आसान होता है इस सवाल को बनाना, बहुत बहुत आसान चीज है, इसको ध्यान से बस देखते रहो। हमको पता है क्या निकालना है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर निकालना है तो हमको क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल वी अपॉन डेल जेड चाहिए, बस तीनों निकाल दो,
पुट कर दो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट्स इट, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि वी को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वाई और जेड को कॉन्स्टेंट रखते हुए। चलो सॉल्व करते हैं आराम से। डेल अपॉन डेल एक्स लिख रहे हैं और वी के जगह पर लिखा हुआ 3xyz, एकदम आसान हो गया। अब क्या क्या बोल रहे थे कॉन्स्टेंट रखने के लिए, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है लेकिन वाई और जेड कॉन्स्टेंट रखना है। थ्री ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, 3yz हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर में बच गया डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 3yz। तो 3y के जगह पे लिख सकते 1 और z के जगह -1, सॉल्व होकर के लिखा -3, ठीक है। डेल बी अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, बी के जगह पे 3xyz लिख देंगे। तो सॉल्व करेंगे y के रिस्पेक्ट बात करेंगे तो x और z कांस्टेंट कर देंगे, तो सॉल्व कर ले इसको, यहां से 3xz बाहर आ गया। अब y का y के रिस्पेक्ट में जाएगा 1, तो यहां से 3x के जगह पे 0, x के जगह पे 0, z के जगह पे -1, तो यहां साफ ही दिख रहा है 0। और सिमिलरली डेल v अपॉन डेल z भी आ जाएगा हमारे पास, डेल अपॉन डेल z 3xyz, z का z के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है हमारे पास। तो 3xy बाहर आ गया, जीरो जाएगा क्या, एक्स से एक्स जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स -3i, और माइनस भी चाहिए, यानी माइनस ऑफ -3i, फिर माइनस ऑफ 0j, माइनस ऑफ 0k। तो बेसिकली आ गया 3i, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगर हमको इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दे दे कि 2xy प्लस में 3yz प्लस में 4xz निकाल के दिखाओ एट 1, 1 और -1, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे, यहां पर तो करेंगे डेल बी अपॉन पहले डेल एक्स निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करना है ना, एकदम आराम से देखना कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे और 2xy इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स 3yz प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स 4xz, तीनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी और इसको, टोटल को डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहां पर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो x तो 1 हो जाएगा और बाकी 2y हमारा कांस्टेंट है, तो यहां से गेट 2y, x के रिस्पेक्ट करना है बाकी सब कांस्टेंट है, देखो पूरा ही टर्म कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन 0। यहां पर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 और 4z बाहर आ जाएगा, तो 2y के जगह पे 1 प्लस में 4z के जगह -1, यहां से आ गया हमारे पास -2। सिमिलरली आगे भी तुम लोग का टास्क है डेल v अपॉन डेल y करना है, डेल v अपॉन डेल z करना है, इस तरह से निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना बाद में पुट करके, इज दैट ओके। आगे बढ़ जाते हैं, मान लो कि अगर हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख दिए 3xi प्लस में 4yj लिख दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फाइंड पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओरिजिन टू 1, 2, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका कि देखो 3x है, यानी कि x पे डिपेंडेंट है, x का वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वही कहना चाह रहा है x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, और कह रहा है कि ओरिजिन से लेकिन 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला माइनस में ई वेक्टर डॉट ऑफ dr वेक्टर, पता है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, हम बोलेंगे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है 3xi प्लस में 4yj, है ना, अब dr है यहां पर लिखा है dr, तो इसको भी लिख सकते हैं यहां पर से, क्या dr है तो क्या लिखेंगे, i प्लस j, है ना, जो भी है ना, xi प्लस yj ऐसे लिख सकते हैं। अगर r वेक्टर होता है तो xi प्लस में yj लिख सकते हैं, अगर dr वेक्टर क्या लिखेंगे, dxi प्लस में dyj, इज इट ओके, इसको ये लिख दो आराम से, क्या लिख सकते, dxi प्लस में dyj,
तो यहां से क्या आ जाएगा 3x dx, यानी कि पूरा का काम हो जाएगा x में। और x का वेरिएशन कहां से, 0 से, 0 से लेकर के 1 तक में हो रहेगा x में, x का कोऑर्डिनेट है 0 से लेकर के 1 तक, प्लस में यहां से हो रहा है 4y into dy, और y में क्या हो जाएगा 0 से लेकर के y में जा रहा है 2 तक। बाकी तो सॉल्व करके पुट करके आंसर लिख लेना, आंसर क्या हम बना दें 3x2 फिर वो, अरे ये तो सॉल्व करने आता हुआ तुम लोग को, सॉल्व करके लिख लेना, अगर इसी में यहाँ पर z कंपोनेंट होता तो समथिंग टू z कर लेते। तो अभी तक हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर भी पोटेंशियल निकालना सीख लिया है, पॉइंट चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी सीख लिया, दैट्स इट, है ना। तो अगर अब हम बात करते हैं बल्क में कुछ रहे, अभी से जो चलेगा अभी तो दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, रॉड के ऊपर, फिर नेक्स्ट से सुपर रिंग वगैरह वगैरह डिस्क वगैरह आने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है, मजे आएंगे, ठीक है, आसान है, चलो ये करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सपोज क्या, पहले समझ लो बात को, कुछ नहीं करना है यहां पर, सपोज करते इस पे बहुत सारा चार्ज है प्लस क्यू, इसे हम बोल रहे हैं यहां पर पोटेंशियल बताओ, इसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल बताओ, क्या करते हैं छोटा सा चार्ज तोड़ते हैं जिसका नाम करते हैं डी क्यू, इससे कोई आर ले लेंगे, इसे हम वोल्टेज यहां पर नापेंगे डी भी, तो भी जो नेट बनेगा वो क्या होगा इंटीग्रल ऑफ डी भी, दैट्स इट। अब इसके कारण डी भी क्या बनेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय आर हो जाएगा, डी भी का वैल्यू क्या हो जाएगा के इसका चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस आर, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेट, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। अभी से एकदम अलग लेवल पर जाकर के स्टडी करेंगे, और आई थिंक एक दो वीडियो से आगे अब जब भी बात होगी तब इसी तरह की बातें होंगी, दो दोस्त हैं इसके मामले में, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण निकाल चुके हैं ना पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारा चार्ज है किसी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उन सब के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेते यही हमारे पास एक बॉडी है, इसपे मान लेते कि पूरा चार्ज भरा हुआ है, वॉल्यूम में है या जिसमें भी है कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, तो इसके कारण क्या करते हैं छोटा सा चार्ज काट लेते हैं डी क्यू बोल देते हैं, और इसके कारण हमको बोल रहे हैं यहाँ पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा, यहां से कुछ तो डिस्टेंस होगा आर, तो यहां पर जो भी पोटेंशियल बनेगा उसको कहेंगे डी भी, डी भी का वैल्यू क्या हो जाएगा के इसका चार्ज डी क्यू अपॉन आर, तो नेट पोटेंशियल जो बनेगा वो भी नेट क्या होगा इंटीग्रल ऑफ डी भी, यानी कि इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू अपॉन आर, और यहां पर चार्ज ही वेरिएबल होगा क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग चार्ज है, और आर भी वेरिएबल होगा हर एक चार्ज के लिए, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा जो कि आगे करके बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको इरेज, इसको लिख लो पहले, ठीक है, लिख लिए, पॉज कर करके लिखा जाता है, ठीक है ना, अभी तो पहले देख लो फिर बाद में इसको पॉज करके लिखो, पूरा अच्छा से नोट बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, मजे आ जाएंगे, कुछ है ही नहीं, जैसे 80 वर्ग सारे क्वेश्चंस तुम लोग तो बन ही गए अपने आप, ठीक है, तो वैसे ही सब बनेगा, कुछ है नहीं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड निकालना है, ठीक है, चार्ज रॉड, सपोज करते हैं हमारे पास एक रॉड है, यही है चार्ज रॉड जिस पर पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है, लेमडा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और इसका टोटल लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है, और हमको किसी इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल निकालना है, यहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे फिर वही, क्योंकि वही पूरा का पूरा चार्ज पूरे लेंथ में फैला हुआ है, तो छोटा छोटा चार्ज तोड़ेंगे सबके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर हमें एक छोटा सा चार्ज तोड़ दिए जिसका वैल्यू है डी क्यू, कितना चार्ज है
डी क्यू, ये है लैम्डा, एक डी क्यू चार्ज तोड़ दिया है और इसका विड्थ है कुछ डीएक्स, कितना विड्थ है डीएक्स, है ना। तो इसके कारण कितना वोल्टेज बनेगा इस छोटे से, मान लो ये सब नहीं है तो सिर्फ इसे में वोल्टेज कितना बनेगा, के क्यू बाय आर, है ना। तो छोटा सा जो वोल्टेज बनेगा हम डीवी कह देंगे, तो के डी क्यू अपॉन एक्स डिस्टेंस बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू, डी क्यू कितना होगा, डी क्यू कितना होगा, हमको पता है चार्ज पर यूनिट लैम्डा, और इसका डीएक्स पता है लैम्डा इंटू डीएक्स हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एक्स, दैट्स इट। तो इसमें लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, तो के लैम्डा बाहर आ गया और अंदर में हो गया हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू के बारे में बात करते हैं, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देखो यहां से चार्ज स्टार्ट हुआ है क्या, एक्स का वैल्यू यहां पर क्या होगा ए, अब बढ़ते बढ़ते ए प्लस में एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ए से लेकर के ए प्लस में एल तक, यहां से हो गया के लैम्डा, इसका हो जाएगा लॉन एक्स हो जाएगा ए से लेकर के ए प्लस में एल तक, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके घटा लेंगे, तो के लैम्डा लॉन ए प्लस में एल माइनस में लॉन ए हो जाएगा, तो यहां से हो गया के लैम्डा एल एन ए प्लस में एल अपॉन ए आंसर। कुछ था ये सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास यहीं ऑफ कर देंगे, उसके बाद पहले तो इसको देख लो ध्यान से। तो एक चार्ज रॉड है, अभी हम लोगों ने इसके एक्सिस पर निकाला था, अभी कह रहे हैं कि इसके एक्सिस से किसी यहां पर इस पॉइंट को निकालने के लिए पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या करेंगे छोटा छोटा चार्ज तोड़ेंगे, उसमें वोल्टेज निकालेंगे। ये सवाल नीट वालों के लिए एकदम नहीं है, इसे शांति से बैठे रहना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा मैथमेटिक्स लगेगा यहाँ पर, पहले हम हटा देते हैं नहीं जी, जी 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 ठीक है। तो इसके कारण वोल्टेज क्या बनेगा, छोटा सा मान लेते चार्ज को कह देते हैं इसका चार्ज को कह देते हैं डी क्यू, इसे हम जो वोल्टेज बनेगा वो डी वी बनेगा, है ना। तो डी वी क्या हो जाएगा, के उसका चार्ज अपॉन यहां से तक डिस्टेंस कितना आर है, आर, दैट्स अरे बहुत आसान हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा पास, है ना। एक्स यहां से नहीं लेते, ए प्लस एक्स कितने में आसानी हो जाएगा, हम यहां से ही एक्स ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ आर के बारे में क्या ख्याल है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर हो जाएगा आर का वैल्यू, ठीक है। तो यहां से भी जो होगा वो इंटीग्रेट करेंगे इसको, के डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स, अभी पीछे भी लिखे थे, और आर की जगह पर लिखेंगे रूट ओवर ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो के लैम्डा बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा हमारे पास डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहां से देखो, एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के एल तक जाएगा, है ना, यही सारा चार्ज चल रहा है, तो जीरो से लेकर के एल तक जाएगा, इज इट ओके। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन ही याद रखना है, ठीक है, नहीं तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो भाई याद रहता होगा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, के लैम्डा और इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा बनेगा लॉन, ठीक है, हाँ ठीक सही है, दिखाएं ए प्लस में एक्स प्लस में, ठीक है, रूट ओवर ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आई थिंक हम सही लिखे, या सही है, ठीक है, इज इट ओके। इतना हो जाएगा लॉन ए प्लस में एक्स प्लस में रूट ओवर जो है यही, ठीक है, और कहां तक जीरो से लेकर के एल तक, है ना, जीरो से लेकर के एल तक। तो अब क्या दिखेंगे, के लैम्डा बाहर जाएगा, एल दिखेंगे एक्स के जगह पे, तो यहां पर ए प्लस में एल, है ना, प्लस में रूट ओवर ए प्लस में एल का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, हो गया। और जब जीरो पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो बचेगा यहां पर ए, तो डिवाइड करते हैं, है ना, ए प्लस में यहां पर जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दिस इज योर कंप्लीट आंसर, ठीक है। यहां पर एल कैपिटल ले लूंगा, ये होगा कैपिटल एल। इस पूरा एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ये होता है, इंटीग्रेशन वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझते होंगे, ठीक है, नहीं समझते हो तो समझ लोगे, थोड़ा थोड़ा इशू है नहीं,
अभी तो रट्टा मारना है, समझ में आया भाई, छोड़ो ना उसको, ये समझ में आया कैसे किए डेट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सारा और अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखेंगे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो मतलब सब्सक्राइब करो डेट्स इट, लाइक मारो यार, मिलते हैं भाई।